गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सैरिश खान और आप देख रहे हैं सोलो ट्रैवलर। तो जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल पार्क हेरिटेज में। इस होटल में क्या क्या है सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो आइए अंदर चलते हैं दोस्तों। तो जी नाजरीन, अब मैं इस वक्त होटल के अंदर मौजूद हूँ और ये इसकी है लॉबी और सामने है उसकी रिसेप्शन। तो आइए बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर क्या चार्जेस हैं होटल के। तो जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक विजिटर, इनसे बात करते हैं कि इनको होटल कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, मैं तो यहाँ बैठा था तो आई हैव गुड लक कि आप लोग आए और चलो मुझे भी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका मिल गया। ये जो हेरिटेज होटल है, ये बड़ी देर से मैं यहाँ ठहरता हूँ। मैं जब भी कभी इस्लामाबाद से या लाहौर से आता हूँ तो मैं इधर ही ठहरता हूँ, क्योंकि इसका जो एटमोसफेयर है फ्रेंडली, यानी जो लोग हैं इनके रिसेप्शन के या जो लोग काम करते हैं, और ख़ास तौर पर जो अमजद साहब हैं, ये हमारे तब दोस्त बन चुके हैं, उनका बड़ा प्यार होता है इस होटल में, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, आप ये बताएं, आप यहाँ पे क्योंकि विजिट आपने बहुत दफ़ा किया है, तो इनका फूड कैसा है और रूम की सर्विसेज कैसी हैं? सूरत हाल ये है कि मैंने काफ़ी होटलिंग करता हूँ, मतलब मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, तो यहाँ मैंने इनका फूड मुझे ज़ाहिर है अच्छा लगता है, तो तभी मैं यहाँ ठहरता हूँ। वेला वजह तो मैं नहीं ठहरता, क्योंकि लाहौर है यहाँ मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। तो एक तो है हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ मार रोड पर जाना, हाई कोर्ट जाना, ऑफिस में जाना तो आसान रहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, तो आम आदमी वगैरह आए तो उसका कोई ख़र्चा भी बच जाता है। तो ये एक अच्छा साफ़ सुथरा लाहौर में मैं समझता हूँ बेहतरीन एडिशन है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया और आप खुश भी लग रहे हैं यहाँ पर आकर तो अब इसका मतलब है कि और जो हमारे नाज़रीन हैं वो आ सकते हैं, आपका रिव्यू बड़ा पॉजिटिव लगा है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल मैनेजर अमजद सुहेल घुमन के साथ और इनसे पूछते हैं इस होटल के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी मैडम। सर मुझे ये बताएं कि ये लाहौर के बिल्कुल दिल में है और बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी लोकेशन है, तो ये आपने क्यों बनाया था होटल, क्यों बनाया था ये होटल? ये मैम एक्चुअली बनाना तो क्योंकि ये इसकी ज़रूरत है इस इलाके में, और ये जो होटल है ये टोटल फैमिली होटल है और टोटल कॉर्पोरेट सेक्टर है। लोग मेरे ख्याल में हमारे पास मानस पे जा रही होती है ऑक्यूपेंसी, सिर्फ इस होटल के एनवायरनमेंट को देखते हुए, इस होटल के कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हुए। एक फैमिली होटल है, फैमिली होटल। ये मैं बताएं कि इस होटल में अब तक कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ आ चुकी हैं जो फेमस हैं? जी मैडम, इसमें जो काफ़ी जो सेलेब्रिटीज़ हैं जिसमें फिल्म स्टार हैं, ये तकरीबन इस होटल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टूडेंट हो गए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जो भी लड़के वगैरह हैं वो इसी होटल को ज़्यादा तौर पे पसंद करते हैं। कि इसके जो प्राइसेस हैं वो कम है या इसकी सर्विसेज अच्छी हैं? मैम इसकी प्राइसेस तो आजकल पता है महंगाई के दौर में तो प्राइसेस तो इतनी नहीं कम, लेकिन इसकी सर्विसेज, इसकी एनवायरनमेंट और इसकी सिक्योरिटी को देखते हुए, ये फैमिली होटल को देखते हुए कि इसमें सिंगल वायलेशन नहीं है, इस लिहाज से ये लोग प्रेफर करते हैं कि दे आर गोइंग टू स्टे विद इन होटल पार्क। वेरी गुड सर, क्योंकि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये सेफ है कि अगर यहाँ पे फीमेल अकेले आए? मैं ये कसम से कह सकता हूँ, लेकिन आप अगर अकेली भी आ जाएं तो आप एक माहौल फील करेंगी घर जैसा, कि आप जैसे घर में सिक्योर हैं ना, उससे बहुत
बेहतर आप यहाँ महसूस करेंगी कि आप अकेली हैं लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टूरिज्म के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि आप इस होटल में आएँ, इसके इन्वायरमेंट देखें, इसका खाना टेस्ट करें। शाहजहाँ बैंकोट हॉल है हमारा, शाहजहाँ रेस्टोरेंट है, जब भी दिल करे आप इधर आएँ और उसका खाना वगैरह चेक करें। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं होटल के कोऑर्डिनेटर हारून, तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ की ओवरऑल मैनेजमेंट किस तरह से और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कुछ बताएं कि किस तरह की मैनेजमेंट आपको यहाँ पर लगती है? जी हमें तो बहुत बेहतरीन लग रही है। हमारे जनरल मैनेजर साहब सुहेल अमजद कुमन साहब, इनके साथ हमें इनके साथ चल कर बहुत अच्छा लगता है। ये अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखते हैं, पूरे होटल का इस तरह ख्याल रखते हैं जैसे हम अपनी फैमिली का, अपने घर का ख्याल रखते हैं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो आप बगैर प्रेशर के काम करते हैं? बिल्कुल बगैर प्रेशर के, हमें ऐसे ही है जैसे हम अपने घर में काम कर रहे हैं, अपने बड़े भाइयों के साथ काम कर रहे हैं। कभी कुछ महसूस नहीं हुआ कि हम परदेश में हैं या हमें कोई इधर कोई। आप ऐसे कहाँ से हैं कि आपने परदेश की बात की है? हम हाफजाबाद। अच्छा, इतनी दूर से हैं, वाओ। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है फिलहाल? फिलहाल तो हमें अपने घर जैसे लग रहा है, इनके होते हुए और भी हमें अच्छा लग रहा है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहुत ही खूबसूरत से रूम के अंदर। आप ये देख सकते हैं, ये होटल का रूम है, बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट है और मुझे जो है ना इस तरह की डेकोरेशन बहुत पसंद है कि जिसमें ज़्यादा जो है ना वो लश पश नहीं होनी चाहिए, सिंपली और बहुत ही अच्छा सा फर्नीचर यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही कम्फर्टेबल सा इसका मैट्रेस भी है, वाह दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो आप इस होटल में ज़रूर आ सकते हैं, आएँ मैं आपको दिखाती हूँ और यहाँ पर इस रूम में क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रिज है, बहुत अच्छी बात है जो कि आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आप ये देखें, ये आपके पास बहुत ही खूबसूरत सा मिरर है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। और इसके साथ ये ड्रॉअर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि ज़रूरत होती हैं अगर आप भूल गए हो तो, ये देखें। और इसके साथ ये चेयर है, इधर आप अपना काम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए कबर्ड्स हैं अपने कपड़ों वगैरह के लिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जायनमाज भी है कि आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। आइए अब आप इसको वॉशरूम दिखाते हैं। तो जी दोस्तों ये इसका वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन सा इसका वॉशरूम है। और इसमें सोप भी रखा हुआ है और शैम्पू भी रखा हुआ है, अगर आप शैम्पू घर में भूल जाते हैं तो यहाँ पर ये फैसिलिटी भी आपको दी हुई है। तो बड़ा अच्छा सा वॉशरूम है, क्लीन, और टॉवल्स भी हैं यहाँ पर। और तो कैसा लगा आपको रूम ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नाज़रीन आप देख रहे थे सोलो ट्रैवलर, यकीनन आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज का हमारा सवाल जो है, उस सवाल का आप जवाब देंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर गल्फ पाकिस्तान की तरफ से। आज का सवाल है कि इस होटल में कम से कम क्या चार्जेस थे, मतलब कितने प्राइस पर एक रूम आप ले सकते हैं। तो इसका आपने जवाब देना है और आपको गल्फ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो दोस्तों ज़रूर हमारे शो को जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। देखते रहें सोलो ट्रैवलर। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।